TDP यानी कि थर्मल डिजाइन पावर, इसका जिक्र मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने जरूर सुना होगा, साथ ही साथ CPU और GPU की स्पेसिफिकेशन में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो आखिर ये TDP है क्या, इसका मतलब क्या है, क्या TDP ज्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए किसी CPU या फिर GPU में, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने शायद देखा होगा TDP या फिर थर्मल डिजाइन पावर की मेंशन ऑलवेज वाट्स में की जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स के मन में ये मिसकंसेप्शन पैदा होता है कि TDP वैल्यू उस CPU या फिर GPU की पावर कंजम्पशन को दर्शाता है, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन को दर्शाता है, पर इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। TDP वैल्यू एक पर्टिकुलर CPU, GPU इवन SoCs के द्वारा रेडिएटेड थर्मल एनर्जी को दर्शाता है एट सर्टेन लोड। जी हाँ, SoCs की भी TDP वैल्यू होती है, आपने शायद देखा भी होगा। SoCs यानी कि सिस्टम ऑन द चिप, जो हमारे मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं जनरली। तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी CPU की TDP वैल्यू 65 वाट होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो CPU 65 वाट की इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करती है। बेसिकली 65 वाट की TDP का मतलब है कि वो पर्टिकुलर CPU एक सेकंड में 65 जूल ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट करता है एट सर्टेन लोड। मैं इसीलिए एट सर्टेन लोड कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो TDP डिफाइनिंग टेक्निक है वो डिफरेंट होती हैं। इंटेल अलग तरीके से करता है, इंटेल जनरली बेस क्लॉक पे अपना TDP को मेंशन करते हैं, जो AMD है वो TDP को मेंशन करते हैं अपने बूस्ट क्लॉक पे। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की डिफरेंट होती है, इसीलिए मैं एट सर्टेन लोड कह रहा हूँ। अब आप शायद सोच रहे हो अगर TDP वैल्यू पावर कंजम्पशन को नहीं दर्शाता है तो इसका मतलब ही क्या है, इसको देने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, अगर किसी CPU की TDP वैल्यू 65 वाट होती है तो आपको एक ऐसा कूलर चूज़ करना होगा, एक ऐसा CPU कूलर चूज़ करना पड़ेगा जो एफिशिएंटली 65 वाट ऑफ हीट एनर्जी को डिसिपेट कर पाए, अदरवाइज CPU गर्म होगा। तो इसीलिए CPUs की, इवन GPUs की, इवन SoCs की TDP वैल्यू मेंशन की जाती हैं ताकि मैन्युफैक्चरर्स या फिर इवन यूजर्स प्रॉपरली कूलिंग सिस्टम्स को चूज कर पाए और उनका सिस्टम, उनका CPU प्रॉपरली ठंडा रहे, या फिर GPU या फिर SoCs जो भी कंपोनेंट है वो प्रॉपरली ठंडा रहे। हाँ, यहाँ पे जो TDP वैल्यू है वो बहुत सारे केसेस में CPU, GPU, इवन SoCs की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी दर्शाता है। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, जो TDP रेटिंग CPU मैन्युफैक्चरर्स या फिर GPU मैन्युफैक्चरर्स या फिर SoC मैन्युफैक्चरर्स मेंशन करते हैं वो कभी भी ओवरक्लॉकिंग के सिनेरियोस में लागू नहीं होते हैं। जब आप CPU, GPU या फिर SoCs को ओवरक्लॉक करते हो तब वो TDP वैल्यू से कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए शायद आपने सुना होगा जब हम CPUs को ओवरक्लॉक करते हैं तब हमें उसके ऊपर स्टॉक कूलर को रख के नहीं चलाना चाहिए, चाहे मैं बात करूँ AMD की, चाहे मैं बात करूँ इंटेल की। जो स्टॉक कूलर CPU मैन्युफैक्चरर CPU के बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं वो TDP वैल्यू को ध्यान में रख के ही डिज़ाइंड होती हैं, ओवरक्लॉकिंग के सिनेरियो उसको ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन नहीं किया जाता। तो ओवरक्लॉकिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा हीट वो CPU प्रोड्यूस करेगा उस हीट को उस CPU कूलर ठंडा नहीं कर पाएगा, जो स्टॉक कूलर्स हैं वो ठंडा नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से CPU गर्म होगा और इससे ऑब्वियसली CPU अपने आप को अंडरक्लॉक कर लेगा, तो आपने जो ओवरक्लॉकिंग किया है उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TDP वैल्यू एक पर्टिकुलर CPU, GPU, इवन SoCs की जो हीट प्रोडक्शन है उसको दर्शाता है, पर आप TDP के जरिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन है उसको भी कुछ हद तक मेजर कर सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं हीट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर एक CPU कंज्यूम करेगा उसका TDP रेटिंग उतना ही हाई होगा। तो मान लीजिए दो अलग अलग CPUs है, एक की TDP वैल्यू है 65 वाट और दूसरे की है 102 वाट। तो जिस CPU की TDP वैल्यू है 102 वाट उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन भी 65 वाट TDP के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जिस CPU की TDP वैल्यू है 65 वाट उससे ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर CPU की इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन एट मैक्सिमम लोड उस CPU की TDP रेटिंग से बहुत ज़्यादा होता है।
जैसे कि मेरे पास अभी Ryzen 7 3700X है तो इसका TDP वैल्यू है 65 वाट। तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है एट मैक्सिमम लोड अराउंड 90 वाट। एंड इवन CPU की जो इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन है वो कुछ केसेस में 90 वाट से भी बियॉन्ड जाता है, 100 वाट 110 वाट भी हो जाती है कुछ केसेस में। जैसे कि अगर मैं गेमिंग करता हूँ और वो अगर CPU को 100% लोड पे चला रहा है, या फिर मैं कोई CPU बेंचमार्किंग टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे CPU की पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आप इजीली TDP वैल्यू के ज़रिए कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो, पर यहाँ पे शर्त इतना है कि वो जो कंपोनेंट्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो वो दोनों ही सेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होना चाहिए और दोनों का जनरेशन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप दो अलग अलग CPUs के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों का ही जो आर्किटेक्चर है वो सेम होना चाहिए, दोनों का ही जो जनरेशन है वो सेम होना चाहिए। और अगर आप दो डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों का आर्किटेक्चर सेम होना चाहिए और जनरेशन भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप Ryzen 7 3700X के साथ Ryzen 3 3200G का कंपैरिजन कर सकते हो, और अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड्स की बात करूं तो आप इजीली 3060 के साथ 3080 Ti का कंपैरिजन कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे 3060 और 3080 Ti ग्राफिक्स कार्ड्स के नाम है, ना कि GPU के नाम है। यहाँ पे जो GPU का नाम है वो अलग है, GPU की जो मॉडल नेम है वो अलग है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैंने सेम जनरेशन और सेम आर्किटेक्चर की मेंशन क्यों की, मैंने क्यों आपको बताया कि सेम जनरेशन की या फिर सेम आर्किटेक्चर की CPUs या फिर GPUs के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो TDP वैल्यू के ज़रिए। देखिए, जो पुराने जनरेशन की CPUs थे, जो पुराने आर्किटेक्चर के CPUs थे, उनका TDP वैल्यू ज़्यादा होता था और उसका परफॉर्मेंस लेवल आज के CPUs के कंपैरिजन में कम होता था। आज के CPUs के कंपैरिजन में TDP वैल्यू भी ज़्यादा होता था और उसका परफॉर्मेंस लेवल भी आज के CPUs के कंपैरिजन में कम होता था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नए जनरेशन की ग्राफिक्स प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर्स की जो ट्रांजिस्टर साइज़ है वो छोटा होता जाता है, और ट्रांजिस्टर का साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना ही कम हीट प्रोड्यूस करेगा, और उस प्रोसेसर की या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसर की परफॉर्मेंस लेवल इसीलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि सेम पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को हम नए जनरेशन के साथ पैक कर पाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्रोसेसर्स की या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसर्स की या फिर SoCs की जो TDP वैल्यू है वो उसकी पावर लॉस को दर्शाता है जो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हो या फिर आप एक ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी कूलर इंस्टॉल्ड है, इसके केस में आपको TDP वैल्यू को लेके उतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपको खुद से कूलर चूज करना है, तब आपको TDP को लेकर डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे TDP वैल्यू अगर कम है या फिर ज़्यादा है, तो कम है तो अच्छा है, ज़्यादा है तो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर TDP वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर CPU की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी ज़्यादा होगा अगर आप सेम जनरेशन में देख रहे हो तो। हाँ, यहाँ पे अगर आप एक पावर एफिशिएंट PC बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोसेसर चूज़ करना होगा जिसका TDP रेटिंग कम है। ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस भी कम होगा, पर TDP रेटिंग अगर कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन भी कम होगा। तो बस इसी कंक्लूसन के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा, इससे होगा तो जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।